गाइस वेलकम टू दिस चैनल। सो मैंने सोचा था इस बार मैं अपने नवंबर 23 अटेम्प्ट के सारे ही एग्ज़ाम्स को मतलब पूरा एग्ज़ाम वीक को व्लॉग करूं। सो हियर आई एम स्टार्टिंग विद द ग्रुप वन व्लॉग। हियर आई एम एट 5:30 AM स्ट्रगलिंग टू रिवाइज माई होल सिलेबस। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन में थी क्योंकि बहुत सारा सिलेबस जो था रिवाइज करने को बचा हुआ था। एंड रात को मैं जल्दी पता नहीं कैसे सो गई, आई डोंट नो, मैं चेयर पे बैठे बैठे बेड पे लेटे कैसे सो जाती हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करें सारा रिविजन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ माई नोट्स। एंड मैंने मतलब कि अपनी रिंग्स पहन रखे बिकॉज उनको मना कर दिया था अभी हाथ में कुछ भी पहनने के लिए, एंड उन्होंने मुझे संभाल के रखने के लिए दे दी। एंड व्हाट्स द बेटर प्लेस मेरे हाथ के अलावा उनके रिंग्स पहनने के लिए। अपना सारा सामान सेट करा था मैंने सुबह उठ के, सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड, कैलकुलेटर नंबर 1 एंड कैलकुलेटर नंबर 2। वैसे तो मैं अपने कैसियो वाला कैलकुलेटर यूज़ करती हूँ, दूसरा वाला मैं जस्ट इन केस के लिए लेकर जा रही हूँ कि ज़रूरत पड़ गई तो, क्योंकि जब बुरा होना होता है तो सभी कुछ बुरा एक साथ ही हो जाता है। इतना सारा सिलेबस देख के बहुत फटी हुई थी, बट अब नहाना भी था, रेडी होना था, तो फिर मैंने सोचा पहले अपना रूम क्लीन कर लिया जाए। वैसे अभी मैं इस टाइम पे RTP MTP देख रही थी प्रीवियस अटेम्प्ट के। फिर अराउंड 6 बजने वाले थे, मैंने गीज़र ऑन किया एंड पहले थोड़ा सा अपने कपड़े वगैरह समेटे अपने कमरे से क्योंकि बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था वो, उनको समझ नहीं आ रहा मैं कपड़े क्या पहनूं। अपने कपड़े निकाले, रेडी हुई, उसके बाद बनाया अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में वही अपना सोबर कम्फर्ट फूड चाय एंड पोहा हमेशा की तरह बनाया, थोड़ा सा और रिवाइज करके रेडी हो गई मैं जाने के लिए। एंड दैट वॉज माई आउटफिट ऑफ द डे। उसके बाद मैं निकल गई फॉर द एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच के बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था एंड एक्साइटमेंट भी थी पहले एग्ज़ाम की। उसके बाद एग्ज़ाम ओवर हो गया था एंड मैं सभी एग्ज़ाम्स का रिव्यू डाल चुकी हूँ, आप आई बटन पे चेक कर लो उसको। उसके बाद मैं लिफ्ट में फ्लॉन्ट करती हूँ कि देखो मैं कितना सारा सामान लेकर आई हूँ अपने साथ घर का। हेलो गाइज, आई एम बैक एंड फर्स्ट पेपर वेंट वेल। आज की अच्छी चीज़ ये हुई कि टुडे आई मेट अ सब्सक्राइबर, लिटरली आई फेल्ट सो गुड कि मुझको कोई ऐसे इन पर्सन कभी मिला। पेपर बाकी अच्छा गया, बाकी मैं पूरा अच्छे से शेयर करूँगी रिव्यू वीडियो में, वो देखना बिल्कुल मत भूलना। उसका लिंक भी मैं पिन कमेंट में दे रही हूँ, सो वो भी चेकआउट कर लेना। अब फटाफट से चेंज करते हैं, मुझे सामान लाने के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया। इट्स एग्जैक्टली सिक्स। सो अब फटाफट चेंज करते हैं। लॉ में मेरी एग्जामिशन है तो फटाफट अब मैं सोच रही हूँ कि टेक्स्ट पढ़ूँ या फिर कॉस्टिंग पढ़ूँ, सो इसको फिगर आउट करते हैं। पहले मेरे भाई ने मेरे लिए चाय और पकौड़े बनाए, उसका मज़ा लेते हैं। कैसे बने? हाँ मैंने बनाए अच्छे बने हैं सच में, सीख रहे हो बाप, अब से किचन आपके हवाले। एंड आई डिसाइडेड कि आज रात को टैक्सेशन के MCQs को ओवर कर लेती हूँ, देन फ्रॉम टुमारो आई स्टार्ट माई कॉस्टिंग, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी नहीं थी। तो सुबह उठते ही आई स्टार्टेड माई कॉस्टिंग की रिविजन फ्रॉम बूस्टर ऑफ नवीन सर। एंड इतना सारा सिलेबस देख के पहले मेरा दिमाग चकरा जाता है, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली आई स्टार्टेड विद कॉस्टिंग। सोचा था मैंने टैक्सेशन में बीच बीच में करूँगी, बट टैक्सेशन बिल्कुल ही चला गया। सुबह मैं उठ गई थी 2 बजे पढ़ने के लिए ऑन द नेक्स्ट डे। इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता, समझ ही नहीं आ रहा कि लाइक कब उठ रही हूँ कब सो रही हूँ। बट सुबह का ये मॉर्निंग देख के ना, लाइक इट वाज अ ब्लेसिंग। इस दिन कॉस्टिंग का डे था, एग्ज़ाम का, उस दिन मैं उठी थी सुबह 2 बजे एंड यहाँ पे अच्छा सा सनराइज एंजॉय करते हुए मैं फटाफट से अपनी मम्मा के पैर छुए, अपना हेलमेट लिया, सॉक्स लिए, सारा इसेंशियल सामान लिया, बैग चेक करा एंड निकल गई फिर से अपना आउटफिट ऑफ द डे को चेक करके एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम सेंटर के बाहर हल्का सा वीडियो शूट करा एंड चली गई भगवान का नाम लेके एग्ज़ाम देने। घर पर आई बिना कुछ सोचे समझे फटाफट रिव्यू वीडियो शूट करके डाला एंड स्टार्टेड माय डे विद GST। नेक्स्ट डे मैंने स्टार्ट करा अपना इनकम टैक्स, बट कॉन्फिडेंस बहुत लो था एंड मॉर्निंग में उठ के सब छोड़ छाड़ के चली गई मैं दूध लेने के लिए। एंड दूध लेने में जा रही थी सो आई थॉट किया चप्पल तो कुछ ज़्यादा ही मैंने बड़ी पहन ली, बाहर निकलती भाई की रखी थी, इतना ज़्यादा वीकनेस आ गई ना पड़ती कि मुझसे गेट भी नहीं खुल रहा। फिर मैंने दूसरे हाथ से खोला तो गेट खुल गया। देन आई थॉट यार हम कितना ओवरथिंक करते हैं, उस हाथ में मेरा सामान था दैट्स व्हाई गेट नहीं खुल रहा था। सामान लेने जाना था, दुकान सामने ही थी तो ज़्यादा दूर जाना नहीं था, फटाफट दूध लिया। दूध लेने आई तो एक छोटा सा मेरा ब्रेक भी हो गया इनकम टैक्स से क्योंकि वो पड़ के लिटरली मेरा सर फट रहा था। एंड ऊपर जाके फटाफट दूध बॉयल करके रेडी भी करना है, हल्दी वाला दूध, बिकॉज गुड्डू को मेडिसिन देनी है। इफ यू डोंट नो, मैं अपनी मदर को गुड्डू कहती हूँ एंड आई लव दिस नेम। अब मेरी शक्ल देख सकते हो, मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड इरिटेटेड इसलिए दिख रही हूँ बिकॉज मेरा टैक्सेशन का एग्जाम है एंड ये होना तो है ही। उसका मैंने फटाफट अपने टिक्रम लगा के दूध को ठंडा, क्योंकि बॉइल्ड
डू, ठंड भी हल्की हल्की आनी स्टार्ट हो गई है, मैंने पंखे के नीचे खड़े होकर इसको ठंडा किया, मैं खुद इतना ज़्यादा ठंडा हो गई थी, बट एट लास्ट दूध ठंडा हो गया ऑन टाइम, सो यस इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस। उसके बाद अपना आउटफिट ऑफ द डे चेक करके, जितने भी पढ़ाई लिखाई करी थी, अपने कॉन्फिडेंस को उठा के मैं चल गई एग्जाम देने के लिए। एंड एग्जाम के बाहर की भीड़ को देख के आप पता लगा सकते हो कि टैक्सेशन का पेपर है। एग्जाम ओवर हुआ, आप रिव्यू वीडियो में चैनल पर देख सकते हो, एंड ये ही वो स्कूल है जहाँ मैंने अपनी स्कूलिंग को कम्प्लीट करा है। उसके बाद मैं आ गई थी घर, बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं थी, स्ट्रेस्ड आउट थी, बिकॉज अगले दिन ऑन 9th हमको जाना था हॉस्पिटल, बिकॉज हमारी ENT की अपॉइंटमेंट थी वहाँ पे, लेकिन जाना वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज माई मदर इज़ बेड रिटन राइट नाउ, एंड उनको ट्रैवल करवाना इज़ अ बिग इशू, एंड हमको जाना भी दिल्ली एम्स था जो कि हमारे घर से अराउंड 40 to 1 hour दूर है। इट्स वाई वी वर थिंकिंग टू लीव द अपॉइंटमेंट, बट हमने सब कुछ नेक्स्ट डे पे छोड़ दिया था, जैसा मॉर्निंग का होगा वैसा कर लेंगे, बिकॉज हमको 9 बजे तक हॉस्पिटल पहुँचना था। सो हम हॉस्पिटल जा पाए कि नहीं जा पाए वो आई शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ ग्रुप 2। थोड़ा सा मैं घर का सामान लाई, ब्रेड एंड ऑल, देन डिनर करके बहुत बड़ा सा डिस्कशन करके कल जाना चाहिए कि नहीं। मैंने स्टार्ट कर दी पढ़ाई अपनी एडवांस अकाउंट्स की, बाकी इस वीडियो का कॉन्टिन्यूशन होगा इन पार्ट 2। तो टेक केयर गाइज, कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।